अच्छा बेटा देखिए, ये हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना जी। तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किया था, तो इसमें है जी फोर्थ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 5, 30 और 60 है। इसमें देखिएगा कैसे हमने सॉल्व करना है 5, 30 और 60। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 के आप अगर क्या करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना दें। तो ठीक है, और ये तो प्राइम नंबर है, ये किसी पे डिवाइड नहीं होगा। तो 5 आपके पास आ जाएगा, 5 अपनी टेबल में आएगा, 5 1s are 5। तो इसका मतलब है जो 5 के प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 5 × 5 बन जाए, 1 × 5 बन जाएगा, ऐसे है ना जी। फिर आप 30 पे आ जाएँ। अब 30 के देखें कैसे बन रहे हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 की टेबल में 30 का पता है, 2 15s are। फिर 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से करेंगे, 3 5s are। फिर 5 से करेंगे जी, 5 1s are। ठीक हो गया बेटा। इसका मतलब हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें 60, तो 60 में भी ऐसे करेंगे बेटा, 2 से करेंगे, 2 30s are। फिर 2 से करेंगे, 2 15s are। फिर आप 3 से करेंगे जी, 3 5s are। और 5 से करेंगे, 5 1s are। ठीक हो गया। अब 60 का बेटा क्या बनेगा देखें, 2 × 2 × हम करें, 3 × 5। अब इसमें देखिए पहले होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है बेटा कॉमन फैक्टर। देखें अब कॉमन फैक्टर में क्या है, देखें 2 इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन 5 देखिएगा, ये आपके पास इधर भी है, सब में ये 5 आ रहा है, ऐसे ना जी। कॉमन फैक्टर 5 है, कॉमन फैक्टर 5 है, और यानी कि कॉमन फैक्टर भी 5 है इस वक्त। और जो HCF होता है, नॉर्मली जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे वैसे 1 ही आ रहा है, इसका मतलब है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। ठीक है जी। बट इसमें देखिए जो फिफ्थ पार्ट इसका है, 14, 28 और 112। तो 14 के बेटा ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 28 के भी हमने बना दिए और 112 के भी बना दिए। ठीक है बेटा। 14 के जो बन जाएंगे 2 × 7, 28 के जो आपके पास आ रहे हैं 2 × 2 × 7, और 112 के बेटा क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 7। देखिए इसमें तो 2 कॉमन आ रहे हैं और 7 कॉमन आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स तो आपके ये हो गए। तो जब HCF निकालते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट इसका आ रहा है, 36 है बेटा, 54 और 108। तो 36 के भी हमने फैक्टर बना लिए, फिर 54 के ऐसे प्राइम फैक्टर बना लिए, और 108 के, क्योंकि ये 102 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखें इसमें जो पहले निकालेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। कॉमन बेटा देखिएगा, ये 2 सब में कॉमन आ रहा है बेटा, एक ठीक हो गया। और फिर देखें 1 3 अगर हम यूँ ले लें ऐसे, ये 1 3 आ रहा है, फिर 1 3 इधर है, 1 3 इधर है, तो एक और भी 3 हमारे पास ये कॉमन आ रहा है। तो अब क्या क्या आ रहा है जी, कॉमन फैक्टर में 2 भी आ रहा है बेटा, 1 3 और आ रहा है, 1 3 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, आप सबको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 9 2 18। तो ये वो नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी ठीक है बेटा, समझ आ जाएगी।